मुरादाबाद में बृहस्पतिवार को श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में चौथे दिन निजी आवास कटघर कर्तव्य भवन में कथा जारी रही, जिसमें महेंद्र कुमार सिंह बब्बू ने बताया कि 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक चल रही श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में लाइन पार से पधारे कथा व्यास श्रद्धे श्री व्योम त्रिपाठी ने अपने प्रवचनों से श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। बताया कि 14 अप्रैल को कथा को विराम दिया जाएगा, तत्पश्चात विशाल भंडारे का आयोजन प्रभु की इच्छा तक किया जाएगा। इस अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति रही। सर, ये भागवत कथा चल रही है आपके यहाँ, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ये 7 दिन का भागवत ज्ञान सप्ताह यह भी चल रहा है। ये 8 तारीख से प्रारंभ हुआ है और 14 तारीख को शाम को 7 बजे विश्राम है। विश्राम के बाद भंडारे का आयोजन किया गया है और सभी महानगर वासी सभी भक्तगण यहाँ आकर इस भागवत कथा का आनंद ले रहे हैं और प्रभु का गुणगान कर रहे हैं और सभी लोग अपने तन मन से इस कथा में लगे हुए हैं और सभी का मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ और इस भागवत कथा का अनुष्ठान कर रहे हैं अपने जीवन को सफल। सर, किस समय तक चलेगी ये? प्रत्येक दिन शाम को 4 बजे से शाम 7 बजे तक होती है, 7 बजे आरती होती है विश्राम में। समापन कब है सर इसका? समापन 14 तारीख को शाम 7 बजे है और उसके बाद भंडारा शुरू हो जाएगा। भंडारा किस समय से कब तक होगा? 7 बजे से भंडारा शुरू हो जाएगा, प्रभु इच्छा तक चलेगा। भक्तों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? तो संदेश देना चाहता हूँ सनातन धर्म के प्रति अपनी पूरी श्रद्धा रखें तथा अपने धर्म को सर्वोपरि रखें और अपने धर्म और अपने संस्कारों को अपने बच्चों तक पहुँचाएं।